गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो में हम CS309 जावा टूल्स में सर्वलेट इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। सर्वलेट के बारे में हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, सर्वलेट, जावा सर्वलेट, सर्वलेट कंटेनर, सर्वलेट लाइफ साइकिल। इस वीडियो में सर्वलेट इंटरफेस और जेनेरिक सर्वलेट, HTTP सर्वलेट क्लास के बारे में हम देखेंगे। सर्वलेट इंटरफेस प्रोवाइड करता है कॉमन बिहेवियर टू ऑल दी सर्वलेट्स। सर्वलेट इंटरफेस डिफाइन करता है मेथड्स जो सारे सर्वलेट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। हाँ, सबसे पहले हम देखते हैं इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस इज प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, इसको इनहेरिट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें जितने भी मेथड्स हैं उनको सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ा हुआ है, उनकी डेफिनेशन नहीं है। जब तक डेफिनेशन नहीं होगी उनको काम नहीं ले पाएंगे। उनकी डेफिनेशन किस में लिखेंगे? कोई क्लास है वो इसको इनहेरिट करेगी इंटरफेस को, और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। इसलिए जितने भी सर्वलेट बनते हैं वो सर्वलेट इंटरफेस को इनहेरिट करते हैं। सर्वलेट इंटरफेस के अंदर 5 मेथड्स होते हैं, जिसमें 3 तो सर्वलेट की लाइफ साइकिल में हमने पढ़े हैं, इनिट, सर्विस और डिस्ट्रॉय। इसके अलावा 2 और मेथड और होते हैं। फर्स्ट मेथड है पब्लिक वॉइड इनिट, ये हम देख चुके हैं। सर्वलेट कॉन्फिग क्लास है, उसका कॉन्फिग ऑब्जेक्ट होगा। ये क्या करेगा? सर्वलेट को इनिशियलाइज करेगा। लाइफ साइकिल मेथड है और ये वेब कंटेनर के द्वारा एक बार ही कॉल किया जा सकता है। इस पर ऑब्जेक्टिव्यूशन भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। इन इट और डिस्ट्रॉय है, वो दोनों ऐसे हैं कि सिर्फ एक बार ही कॉल किए जाएंगे। सर्विस मेथड है, उसको कितनी बार भी कॉल किया जा सकता है। जितनी क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आएगी उतनी बार उसको कॉल किया जाएगा, उसके ऑब्जेक्ट्स बनते जाएंगे, थ्रेड्स बनती जाएगी। सेकेंड मेथड है पब्लिक वॉइड सर्विस। ये क्या करता है? इनकमिंग जो रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट की उसको रेस्पॉन्स सेंड करता है, और ये हर एक रिक्वेस्ट के लिए कॉल किया जाता है कंटेनर के द्वारा। जितनी रिक्वेस्ट आएगी उतनी बार ये कॉल किया जाएगा। फिर है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय भी सिर्फ एक बार ही कॉल किया जाता है, और जैसा कि नाम से ही दिख रहा है ये डिस्ट्रॉय कर देगा सर्वलेट को। फिर आता है पब्लिक सर्वलेट कॉन्फिग। रिटर्न टाइप क्या है? सर्वलेट कॉन्फिग। मेथड का नाम है गेट सर्वलेट कॉन्फिग। तो ये क्या करेगा? सर्वलेट का जो कॉन्फिगरेशन है वो रिटर्न करेगा, रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कॉन्फिग। फिर है सर्वलेट इन्फो पब्लिक, रिटर्न क्या करेगा? स्ट्रिंग। मेथड का क्या नाम है? गेट सर्वलेट इन्फो। ये इंफॉर्मेशन रिटर्न करता है अबाउट सर्वलेट, सच एज राइटर, कॉपीराइट का वर्जन। सर्वलेट इंटरफेस को समझने के लिए हम एक प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम में फर्स्ट लाइन है इंपोर्ट जावा .io.*। तो जावा पैकेज है, उसके अंदर सब पैकेज IO और उसके अंदर जितनी भी क्लासेज हैं उनको सबको हमने इंपोर्ट किया .*। स्टार का मतलब सब क्लासेज आ गई। अगर पर्टिकुलर कोई क्लास लेनी है तो उस क्लास का नाम आ जाएगा। सेकंड लाइन है इंपोर्ट javax.servlet.*। javax जो पैकेज है उसका सर्वलेट पैकेज है, उसकी सारी क्लासेज।
पब्लिक क्लास फर्स्ट इम्प्लीमेंट्स सर्वलेट। तो हमने क्या किया है, एक क्लास बनाई है, उसका नाम है फर्स्ट, और वो किस टाइप की है, पब्लिक टाइप की, और वो इम्प्लीमेंट कर रही है सर्वलेट इंटरफेस को। सर्वलेट कॉन्फिग, कॉन्फिग इक्वल टू नल, तो सर्वलेट कॉन्फिग का कॉन्फिग जो ऑब्जेक्ट है उसमें हमने नल वैल्यू डाली है। फिर सबसे पहले इनिट मेथड को कॉल करेंगे, पब्लिक वॉइड इनिट सर्वलेट कॉन्फिग कॉन्फिग, दिस डॉट कॉन्फिग इक्वल टू कॉन्फिग असाइन कर देगा। दिस यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारी फर्स्ट क्लास है उसके ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस दिस किसको रिप्रेजेंट करता है, जिस क्लास के अंदर लिखा हुआ है उसके ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सर्वलेट इज इनिशियलाइज्ड, तो इनिट क्या करेगा, सर्वलेट को इनिशियलाइज कर देगा, और ये सिर्फ एक बार ही कॉल किया जाएगा इनिट। फिर आता है पब्लिक वॉइड सर्विस, इसमें दो इंस्टांसेज है, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, और कोई एक्सेप्शन आता है आईओ एक्सेप्शन या सर्वलेट एक्सेप्शन तो उसको हम थ्रो कर देंगे। रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप क्या रहेगा, टेक्स्ट एचटीएमएल। रेस्पॉन्स किसके फॉर्मेट में जाता है, एचटीएमएल में जाता है ना, क्योंकि ब्राउजर के ऊपर, क्लाइंट मशीन के ऊपर जावा तो रन होती नहीं है, वहां पर तो एचटीएमएल रन होती है ब्राउजर में। प्रिंट राइटर आउट इक्वल टू आरईएस डॉट गेट राइटर, आउट डॉट प्रिंट HTML बॉडी टैग आएंगे, उसके अंदर प्रिंट करेंगे हेलो सिंपल सर्वलेट, और बॉडी और HTML टैग को क्लोज कर देंगे। फिर डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल करेंगे, पब्लिक वॉइड डिस्ट्रॉय सर्वलेट इज डिस्ट्रॉयड, उसके बाद में सर्वलेट कॉन्फिग गेट सर्वलेट कॉन्फिग, ये रिटर्न करेगा कॉन्फिगरेशन। फिर गेट सर्वलेट इन्फो, इन्फो सर्वलेट के बारे में इन्फॉर्मेशन, जैसे कॉपीराइट उसका वर्जन वगैरह था, तो ये रिटर्न करेगा कॉपीराइट 2007 1010। अब हम पढ़ेंगे जेनेरिक सर्वलेट क्लास। जेनेरिक का मतलब क्या होता है, जेनेरिक का मतलब होता है जेनेरिक को कहीं भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई स्पेशली किसी एक चीज़ के लिए नहीं बना होता है जेनेरिक, हर कहीं हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जेनेरिक सर्वलेट क्लास इम्प्लीमेंट्स सर्वलेट, सर्वलेट कॉन्फिग एंड सीरियलाइजेबल इंटरफेसेज। इट प्रोवाइड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द मेथड्स ऑफ दीज इंटरफेसेज एक्सेप्ट द सर्विस मेथड। जेनेरिक सर्वलेट क्लास कैन हैंडल एनी टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, सो इट इज़ प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट। जेनेरिक सर्वलेट क्लास है वो किसी भी टाइप की रिक्वेस्ट है उसको हैंडल कर सकता है, इसलिए क्या होता है, प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट। यू मे क्रिएट ए जेनेरिक सर्वलेट बाय इनहेरिटिंग द जेनेरिक सर्वलेट क्लास एंड प्रोवाइडिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सर्विस मेथड। अब जेनेरिक सर्वलेट क्लास के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, इसमें कई सारी मेथड्स हैं, जैसे कि इनिट मेथड, वो इनिशियलाइज करता है सर्वलेट को, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड सर्विस, ये प्रोवाइड करेगा सर्विस इनकमिंग रिक्वेस्ट के लिए, और ये हर बार कॉल होगा हर एक यूजर की रिक्वेस्ट के लिए। फिर डिस्ट्रॉय, ये ओनली एक बार ही कॉल होगा और ये सर्वलेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। पब्लिक सर्वलेट कॉन्फिग गेट सर्वलेट कॉन्फिग, ये रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कॉन्फिग। फिर गेट सर्वलेट इन्फो, ये रिटर्न करेगा इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्वलेट, जैसे कि राइट कॉपीराइट। पब्लिक वॉइड इनिट, ये कन्वीनियंट मेथड है सर्वलेट प्रोग्रामर्स के लिए। पब्लिक सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, ये रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट।
फिर है गेट इनिट पैरामीटर, ये रिटर्न करेगा पैरामीटर वैल्यू फॉर द गिवन पैरामीटर नेम। पब्लिक इनूमरेशन गेट इनिट पैरामीटर नेम्स, ये रिटर्न करेगा पैरामीटर्स डिफाइंड इन दी वेब डॉट एक्सएमएल फाइल। पब्लिक स्ट्रिंग गेट सर्वलेट नेम, रिटर्न द नेम ऑफ द सर्वलेट ऑब्जेक्ट। पब्लिक वॉइड लॉग स्ट्रिंग मैसेज, राइट्स द गिवन मैसेज इन द सर्वलेट लॉग फाइल। पब्लिक वॉइड लॉग राइट्स द एक्सप्लेनेटरी मैसेज। अब इसको समझने के लिए हम एक प्रोग्राम देखते हैं, इम्पोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार, इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट स्टार। पब्लिक क्लास फर्स्ट एक्सटेंड्स जेनरिक सर्वलेट। पब्लिक वॉइड सर्विस सर्वलेट रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। सेट कंटेंट टाइप HTML टेक्स्ट। प्रिंट राइटर आउट इक्वल टू RES डॉट गेट राइटर। HTML का टैग और बॉडी स्टार्ट हेलो जेनरिक सर्वलेट और बॉडी और टैग क्लोज। ये जेनरिक सर्वलेट हमने देखा। इसके बाद में HTTP सर्वलेट। HTTP सर्वलेट क्लास क्या करता है, जेनरिक सर्वलेट क्लास है उसको एक्सटेंड करता है और इम्प्लीमेंट करता है सीरियलाइजेबल इंटरफेस, और ये प्रोवाइड करता है HTTP स्पेसिफिक मेथड्स सच एज डू गेट डू पोस्ट डू हेड डू ट्रेस। तो HTTP स्पेसिफिक मेथड्स हैं वो प्रोवाइड करता है HTTP सर्वलेट क्लास। मेथड्स देखेंगे हम HTTP सर्वलेट क्लास के कौन कौन से होते हैं। पब्लिक वॉइड सर्विस डिस्पैच करेगा रिक्वेस्ट टू द प्रोटेक्टेड सर्विस मेथड बाय कन्वर्टिंग द रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट इनटू HTTP टाइप। फिर है वॉइड सर्विस, रिसीव करेगा रिक्वेस्ट को फ्रॉम द सर्विस मेथड एंड डिस्पैच करेगा रिक्वेस्ट को। किस टाइप की इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट आती है, प्रोटेक्टेड वॉइड डू गेट, ये हैंडल करता है गेट रिक्वेस्ट को और ये वेब कंटेनर के द्वारा कॉल किया जाता है। डू पोस्ट, ये हैंडल करता है पोस्ट रिक्वेस्ट को, ये इन्वोक किया जाता है वेब कंटेनर द्वारा, वेब कंटेनर ही कॉल करेगा। डू हेड, ये हैंडल करेगा हेड रिक्वेस्ट को, ये भी वेब कंटेनर के द्वारा कॉल किया जाएगा। डू ऑप्शंस, ये हैंडल करेगा ऑप्शंस रिक्वेस्ट को, वेब कंटेनर के द्वारा कॉल किया जाएगा। डू पुट, ये हैंडल करेगा पुट रिक्वेस्ट को और ये भी वेब कंटेनर के द्वारा इन्वोक किया जाएगा। डू ट्रेस, ये हैंडल करेगा ट्रेस रिक्वेस्ट को, वेब कंटेनर के द्वारा कॉल किया जाएगा। डू डिलीट, ये हैंडल करेगा डिलीट रिक्वेस्ट को, वेब कंटेनर के द्वारा ही कॉल किया जाएगा। गेट लास्ट मॉडिफाइड रिटर्न्स द टाइम व्हेन HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट वाज लास्ट मॉडिफाइड। लास्ट में कब HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट है वो मॉडिफाई किया गया था वो ये रिटर्न करेगा। तो इस वीडियो में हमने सर्वलेट इंटरफेस, जेनरिक सर्वलेट और HTTP सर्वलेट क्लास और इनके मेथड्स हमने देखे। आगे की वीडियोज है उनमें हम HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स, गेट आउटपुट स्ट्रीम, सेट हेडर मेथड, पैरामीटर पासिंग टू सर्वलेट, ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे। थैंक यू।